आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि तत्व संयोग करते हैं, लेकिन आप में से कुछ ये जानने के इच्छुक होंगे कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, और जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। हमारी तरह ही वैज्ञानिक भी ये सब जानने के लिए इच्छुक थे। इन वैज्ञानिकों में से एक ऐसे वैज्ञानिक आंतुआ एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। आइए अब हम अपने विषय रासायनिक संयोजन के नियमों का अध्ययन शुरू करें। लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद दो नियम प्रतिपादित किए। आइए हम इनमें से पहले नियम को देखें। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसका उत्तर हम एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करने का प्रयास करें। 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट तथा 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करें। अब सोडियम कार्बोनेट के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस तरह लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर इस भांति से कॉर्क लगाइए। अब अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं, जिससे कॉपर सल्फेट एवं सोडियम कार्बोनेट के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शंक्वाकार फ्लास्क में कोई अभिक्रिया हुई है। यहाँ कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट अभिकृत हुए हैं और नीले रंग के कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट के विलयन के उत्पादों के रूप में निर्माण हुआ है। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश। आइए अब हम रासायनिक संयोजन के दूसरे नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में जानें। यदि हम एक एक परख नली में झरने और झील से 10-10 ml जल लें, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों परख नलियों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात समान है? जी हाँ, आप पाएंगे कि दोनों परख नलियों के जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही है। इसी तरह चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, आप पाएंगे कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें, तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह लवाजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो
या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। आइए इसका एक और उदाहरण देखें। यदि हम अमोनिया का उदाहरण लें, तो पाएंगे कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 14/3 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुआ हो या किसी भी स्रोत से लिया हो। इन उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस तरह से परिभाषित किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन दोनों नियमों को परिभाषित तो कर दिया, लेकिन उनकी अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। डाल्टन ने भी द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को परमाणु का ही नाम दिया। डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना तथा परमाणु क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज हमने रासायनिक संयोजन के नियम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम परमाणु क्या है, इसका अध्ययन करेंगे।